अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि आपने एल्बम एक्सेस कैसे लेनी है, या फिर किसी बंदे को वीडियो बनाकर सेंड करनी है कि वो आपको एल्बम एक्सेस कैसे दे। स्पेशली ये वीडियो फ्रीलांसर्स के लिए है जो अपफ्रंट पे काम कर रहे हैं या फिर फाइवर पे कर रहे हैं। क्लाइंट कहता है, मैं आपको अपनी फेसबुक के लॉगिन नहीं दूंगा, मैं आपको एल्बम एक्सेस दूंगा। अब क्लाइंट को समझ नहीं आ रही कि वो आपको एल्बम एक्सेस कैसे दे। अब फॉर एग्जाम्पल, ये वाली आपकी आईडी है जिस पर आप एडमिन एक्सेस लेना चाह रहे हैं, उस आईडी का नाम है बिलाल शेख, ठीक है, जिस पर आपने एडमिन एक्सेस लेनी है। अब क्लाइंट को आपने एक वीडियो सेंड करनी होती है कि आप हमें एडमिन एक्सेस कैसे दें। उसके लिए क्या करना है, क्लाइंट से कहना है आपने सबसे पहले अपनी मेन आईडी लॉगिन करनी। ये क्लाइंट की मेन आईडी लॉगिन हो गई है, उसके बाद क्लाइंट को कहना है आपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अकाउंट पर क्लिक करने के बाद उसने क्लिक करना है क्लाइंट ने सी ऑल प्रोफाइल्स के ऊपर, और क्लाइंट से कहना है कि आपका जो भी पेज है जो आप हमसे मैनेज करवाना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप वर्क करवाना चाहते हैं, उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट का ये वाला पेज है अली शेख टेक के नेम से। जैसे ही क्लाइंट ने ये सेलेक्ट किया, ये स्विच हो गया। अब दोबारा से करना है क्लाइंट को अकाउंट के ऊपर आए, और ये हमें दोबारा पेज को सेलेक्ट करना होता है। इसे दोबारा सेलेक्ट किया, जैसे ही अब क्लाइंट का वो पेज हमारे पास शो हो गया जिसे हमें एक्सेस लेनी है अपनी आईडी के ऊपर। अब क्लाइंट से कहना है आपने आना है सेटिंग्स के अंदर। आफ्टर दैट वो क्लाइंट आएगा न्यू पेज पेजेस एक्सपीरियंस के अंदर। अब ये वाला इंटरफेस शो हो गया जहाँ से क्लाइंट ने हमें एडमिन की एक्सेस देनी होती है। अब क्लाइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कभी भी ये यूज़र नेम सेंड नहीं करना। अगर आपकी आईडी बहुत अच्छी रैंक हो रही होगी, फिर आपके यूज़र नेम से आईडी शो होगी। वो रैंक कैसे होती है, अगर आप रोज़ पोस्टिंग कर रहे होते हैं, रील्स वगैरह लगा रहे होते हैं, फिर आपकी आईडी ऊपर शो होती है। अब जैसा कि मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, अब यहाँ से क्लाइंट कहना ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, और यहाँ पर आप जब नेम से सर्च करेंगे आपकी आईडी शो नहीं हो रही होगी यहाँ पर। तो आपने हमेशा क्लाइंट को क्या करना है, इस प्रोफाइल का लिंक सेंड करना होता है। प्रोफाइल का लिंक सेंड करेंगे तो ट्रैक आपकी आईडी क्लाइंट के पास सर्च होगी। ये देखें, जैसे ही प्रोफाइल का लिंक मैंने सर्च किया, ओनली सिर्फ आपकी आईडी क्लाइंट के पास शो हो रही है। क्लाइंट से कहना है आप इसे करें बिलाल शेख के ऊपर सेलेक्ट। आफ्टर डैट आपने ट्राई करनी है फुल कंट्रोल एक्सेस लेने की। इससे ये रहता है कि पेज डिलीट की भी ऑप्शन रहती है, तकरीबन जो जिसके आईडी पर पेज बना हुआ है, जो उसके पास सक्सेस होगी वो सारी एक्सेस आपके पास हो जाएगी। अक्सर क्लाइंट होते हैं वो फुल कंट्रोल एक्सेस नहीं देते, तो अभी ठीक है, ज़्यादा बात है, काम तो करना ही है। तो आपने उसे कोशिश करनी है कि फुल एक्सेस ले लेनी। उसके बाद गिव एक्सेस पर क्लिक करना है। अब क्लाइंट से कहना है कि आप अपनी पर्सनल आईडी का पासवर्ड लगाकर इसे कंफर्म करें। जैसे ही वो कंफर्म करेगा तो उसकी तरफ से आपको इन्वाइट आ जाएगी। ये देखो, अब मेरी क्लाइंट की आईडी से मेरी आईडी पर इन्विटेशन आ गई है, और ये इन्वाइट 31 दिन तक रहेगी, और इसे हम एक्सेप्ट कर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनवाइट कैसे एक्सेप्ट करनी है, और इनवाइट कैसे एक्सेप्ट की जा सकती है, उसके 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे इनवाइट एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एडमिन बनाने की वीडियो, जो आपको अपने तरीके से इसे थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।